फैशल हुसैन हत्याकांड में मुआवजा न मिलने पर डॉक्टर शशांक शेखर शुक्ला एवं विवेक पटेल ने उठाई आवाज। समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर शशांक शेखर शुक्ला ने फैसल के घर पर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन का जायजा लिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि कई महीने बीतने के बाद भी सरकारी मुआवजा, आवास तथा सरकारी नौकरी का आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इसके पश्चात शशांक शुक्ल ने फैशल के परिजनों के साथ उपजिलाधिकारी से मुलाकात कर उस परिवार को दिए गए आश्वासन पूरे किए जाने की मांग की। उपजिलाधिकारी महोदया ने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा मिलेगा तथा आवास भी आवंटित कराने का प्रयास किया जाएगा। सीओ बांगरमऊ आशुतोष जी ने आश्वासन दिया कि मरहूम फैशल के भाई सुफियान को पुलिस में चौकीदार की नौकरी पर नियुक्त किया जाएगा। उपजिलाधिकारी से मिलने वाले सदस्यों में मरहूम फैशल के भाई सुफियान, ब्लॉक प्रमुख पति गंज मुरादाबाद, विवेक पटेल, रानू खान, अकील अहमद इत्यादि थे। मोहम्मद इरफान खान, बांगरमऊ, नागरिक। बहुत ही दुखद है कि 5 महीने होने के बावजूद एक ऐसा परिवार जिसके पास आय का कोई साधन नहीं था, एक बच्चा जो कि अकेला व्यवसाय करके रोजी रोटी कमाता था, उसको पुलिस बर्बरता के कारण अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। मुआवजे की मांग हुई थी, मुआवजे का वादा हुआ था 48 घंटे में मिलने का, 5 महीने बाद भी वो पूरा नहीं हुआ। आज हम हमारे सारे समाजवादी साथी प्रशासन से मिले, आशुतोष जी जो CO हैं, SDM महोदया रश्मि सिंह जी से, और सुफियान जी ने अपनी एप्लीकेशन उनको दी। कुछ आश्वासन मिले हैं जो कि जानना, सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। पहला आश्वासन कि जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द राज्य से स्वीकृत होके इनको मिलेगा। दूसरा आश्वासन कि जो निवास का इनको वादा था उसके बारे में भी कौन से अपने समाजवादी सरकार के समय पे उसमें क्या थे, इनको एक आवास आवंटित किया जाएगा। और सबसे मुख्य बात कि 6 महीने बाद, घटना के 6 महीने बाद जो कि नवंबर में पूरा हो जाएगा, इनको पुलिस में चौकीदार की नौकरी मिलेगी। ये आश्वासन आशुतोष जी ने हम सबके सामने दिया है और नवंबर में हम इसको पूरा करवाएंगे।